पूरा नदी के साइड में है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है गाइस, तो मंदिर का नजारा देख सकते हैं, मस्त है। तो गाइस सोनिया को छोड़ने के बाद हम लोग अभी घूम रहे हैं बाइक में, ये पूरा भैया मिल गया हमको, खूब मस्ती कर रहे हैं गढ़शिला में। तो देख सकते हैं जगह का नाम पता नहीं फिर भी घूम रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं, साइंस का स्टूडेंट है इसीलिए इतना बाल सब बढ़ा के रखे, थ्री इडियट जाएंगे तीसरी बार। तो गाइस बने रही है, रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साला आपको बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, रुकिए। तो हेलो गाइस, नज़ारा देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। हम तीन हैं और वो क्या तुम्हारा बहन, मेरा बीवी और इसका भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अभी हम लोग तीन मिल के घूम रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो गाइस बने रहिए और दिखाते हैं आपको, एक भव्य शिव मंदिर दिखाने ले जाएंगे जहाँ खाली गाजा बाबा रहता है, तो दिखाते हैं। चलिए अभी बाइक में जाएंगे, भैया बाइक रेडी कर रहे हैं, तो गाइस बने रहिए। तो गाइस ये पुलिया का रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर कार वार नहीं चलता है लेकिन बाइक का रेस पूरा होता है। लोग यामा अपाची लेके आते हैं, हम डिस्कवर लेके आते हैं, फिर भी वो लोग हार जाते हैं क्योंकि हम जीत जाते हैं। ओहो, तो बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, रुकिए। तो गाइस अभी हम 400 के स्पीड में है, तो गाइस जैसे रास्ता देख सकते हैं दिमाग खराब हो जाएगा, अभी हम लोग आराम से जाने वाले हैं धीरे कर में, अभी उतरेंगे हम। रास्ता कहाँ पर है, वहाँ पर है, चलो 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 दिखाना है पूरा व्यू। हम लोग अभी हम लोग क्लान के रास्ते में जाएंगे, जिसको क्लैन बोलते हैं हमारे वहाँ पर, आप लोग का वहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस बने रहिए, गाजड़ी बाबा के पास जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग वो रहा वो पुलिया और ये रहा ये पुलिया, तो अभी हम नीचे आ गए हैं और राजा मेरा पोपट बना रहा है, देखिए। तो गाइस बने रहिए, अभी आप लोगों को बड़ा बड़ा खाली पत्थर दिखाएंगे और कुछ नहीं। कुछ टॉपिक नहीं है हम लोग के पास, कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही फोकट में मार रहे हैं और राजा अबू खाली वीडियो बना रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ गए हैं आपको पानी का बहाव दिखाने के लिए, देख सकते हैं पानी बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ सब अंकल चाचा लोग बैठ के मछली पकड़ रहे हैं बहुत फुर्सत से, बहुत अच्छा ही टाइम पास करने का मौका है। तो गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, और ये देख सकते हैं ऊपर में पुलिया है। तो गाइस बने रहिए, अभी सूर्य मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाना है, बहुत बहुत मंदिर है दिखाएंगे, तो गाइस बने रहिए। तो गाइस ये सूर्य मंदिर जाने का रास्ता है जो क्लेन साइड में पड़ता है, तो गाइस बने रहिए, मंदिर पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं सूर्य मंदिर। तो गाइस देख सकते हैं तो गाइस फाइनली हम लोग घाटशिला का जो सूर्य मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं रथ में। तो फ्रेंड देख सकते हैं सुवर्ण रेखा नदी के किनारे ये सूर्य मंदिर है जो भगवान सूर्य का मतलब रथ है, बहुत ही भव्य रथ लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे सात जो एक साथ घोड़े हैं वो अपने सूर्य भगवान को अपने रथ में खींच के ले जा रहे हैं, और ये नदी का किनारा में बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर ठो। तो देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा, आपको ऊपर से भी दिखाएंगे मंदिर का और भगवान सूर्य का दर्शन भी करवाएंगे। तो गाइस बने रहिए और देखते रहिए, रथ बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो नदी के साइड से आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए आरवी रुद्र ब्लॉग्स। पूरा नदी के साइड में है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है गाइस, तो मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं, मस्त है एकदम, सुकून आता है यहाँ पर। शाम को अगर आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं, बैठने का पूरा व्यवस्था है। तो ऐसे ही था सूर्य मंदिर घाटशिला का। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा लोकेशन स्वर्ण विला। तो गाइस बने रहिए,
तो फ्रेंड ऊपर से देख सकते हैं मंदिर का कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ पर जो है सूर्य जी का जो रथ चलाते हैं उनका मूर्ति है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर सूर्य भगवान का प्रतिमा स्थापित है। कितना सुंदर लग रहा है मंदिर का प्रतिमा देखकर, मन को शांत लग जाता है। तो प्रणाम करके हम लोग निकल रहे हैं अभी। अगले बार जो व्लॉग आएगा तो उसके लिए वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक ले गुड इवनिंग। तो गाइज ये रामकृष्ण मठ है घटसिला का, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए पूरा अंदर जाके नहीं दिखा सकते। तो गाइज ये बाहर से नज़ारा देख सकते हैं, गेट है ये रामकृष्ण मठ का। तो यहाँ से लेकर पूरा अंदर तक बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। तो गाइज बने रहिए।